In music news, there's generous amounts of genetics in the recently released Singing Fathers, Singing Sons. Khalid Mahmood got the idea while walking down memory lane with old photographs of his legendary father Talat Mahmood and friends Mukesh, Rafi and Kishore Kumar. Khalid tracked down the lesser known sons of the greats in an effort to recreate the good old days. So I thought that why not do something, you know, like make an album together, sort of work together. So that one is, of course, we can get close together. And the other is that, you know, we have a very good album. चार जो बड़े सिंगर्स हैं हमारे मुल्क के, उनके बेटे गा रहे हैं, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है. कोई मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि चार टॉप सिंगर्स के बेटे गाते हैं. तो मैंने कहा ये अपने में ही एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और हम सब एक साथ आएंगे. सो दैट शुड बी द केस. आई सेड यू कैन नॉट बी नॉट देयर. तो खैर बहुत मैंने मना मना फाइनली एग्री टू दैट. फिर मैंने अमित से बात की और नितिन से बात की. देयर ऑफ कोर्स क्वाइट रेडी टू डू थिंग. दे वेरी हैप्पी दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड रोलिंग. In the whole home, he was daddy. Yeah, father जैसे होते थे. तो कभी disciplinarian भी होते हैं, कभी friend भी होते हैं, कभी he is like a father, you know. So हम कभी उनको ऐसे नहीं देखते थे कि तलत महमूद है ऐसे वैसे हैं. लोग समझते ही नहीं घर पे हैं तो गाना ही गाते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे. They are just like father, you know. How every people and people bring up kids. जब मैंने college ख़त्म किया, I was at a loose end. तो मम्मी ने कहा कि ठीक है अभी डैडी टूर पे जा रहे हैं, कॉन्सर्ट टूर पे गुजरात के, तो तुम उनके साथ चले जाओ, तुम्हारा दिल भी बह जाएगा और तुम वो जगह भी देख लोगे. मैंने कहा ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज ट्रैवलिंग विद हिम ऑन अ कॉन्सर्ट टूर. तो उस टाइम गुजरात इतना डेवलप नहीं था, ट्रेन से जाना पड़ रहा था. तो आप यकीन मानिए कि दो तीन स्टेशन पहले से लोग ट्रेन पर चढ़ने लगे, यू नो, जस्ट बिकॉज द न्यू कि तलत महमूद आ रहे हैं. ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, हम दरवाजे पर बैंक कर रहे हैं, कोई खिड़की से अंदर आ रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है. एंड आई वॉज शॉक, यू नो, लाइक आई जस्ट डिडंट नो दैट दिस यूज्ड टू हैपन. तो मैं बहुत अग्रेसिव हो गया. मैंने कहा डैडी हाथ मतलब पीछे हटो, ये करो वो करो, मेरे बहुत चिल्लाने लगे वहाँ पे. तो डैडी ने मुझे समझाया बाद में, ही सेड डोंट डू ऑल दिस क्योंकि दे आर डूइंग इट क्योंकि वो मुझे चाहते हैं और मेरे पास आना चाहते हैं. एंड इट इज द लव विच ब्रिंग्स देम ऑल द वे हियर, यू नो, मेक्स देम डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ट्रेन से गुजर जाए, कुछ चोट लग जाए, कुछ हो, लेकिन सब क्योंकि मुझे चाहते हैं इसलिए. तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाई उस टूर पर और बहुत सारी चीज़ें मुझे उस टाइम पता चली कि हाउ एन आर्टिस्ट बिहेव्स, यू नो, जो लव होता है फैंस का किस तरह से होता है और वो किस हद तक जाते हैं अपने आर्टिस्ट के पास जाने के लिए और क्या क्या करते हैं. नो पुअर पीपल हु कांट इवन ईट टू मील्स अ डे, लेकिन दे ब्रिंग सच गिफ्ट्स एंड यू नो दे ट्राई टू अकोमोडेट द आर्टिस्ट सच अ वे दैट इट रियली मेक्स योर हार्ट फील, यू नो. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.